वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हाँ, साइक्लोन अम्पन अभी सुबह 0530 IST में, यहाँ लोकेशन है 990 किलोमीटर साउथ ऑफ पारादीप में, 11.4 डिग्री नॉर्थ और 86.0 डिग्री ईस्ट में। ठीक है, तो इसका अभी मूवमेंट नॉर्थवर्ड रहेगा नेक्स्ट 24 आवर्स तक, उसका बाद रिकवर करने का चांसेस है। फिर 20th इवनिंग बा आफ्टरनून बा इवनिंग में वेस्ट बंगाल का सागर आइलैंड एंड हमारा बांग्लादेश का हतिया आइलैंड, ये दोनों का आइलैंड का बीच में लैंडफॉल होने का चांसेस है एज ए वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। ठीक है, 20th आफ्टरनून बा इवनिंग में। ठीक है, और इसका रिगार्डिंग जो फोरकास्ट हमने ऑलरेडी दे चुका है, या हैवी रेनफॉल उड़ीसा में हैवी रेनफॉल रहेगा, विंड भी रहेगा नॉर्थ कोस्टल उड़ीसा में, जैसा हमने बताया 75 to 85, गस्टिंग में 95 तक जा सकता है 20th मॉर्निंग से। तो यही है डिटेल्स, हम फिर आफ्टरनून में देखेंगे। आप वर्तमान की बात करें तो स्पीड क्या है साइक्लोन की? साइक्लोन का स्पीड लास्ट 6 आवर में जो था इसमें स्लाइटली वही हुआ है। इसमें अभी क्या है आपका, कभी 5 किलोमीटर पर आवर, कभी 10 किलोमीटर पर आवर, कभी 15 किलोमीटर आवर, ये इसका इतना ये नहीं है। ऑन एन एवरेज आपका 15 to 20 किलोमीटर ये करके मूव करते हैं। आपका वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म का जो रेंजेज है उसमें 155 to 165 इस तरह से होता है। ठीक है, तो उसमें गास्टिंग 180 तक भी जाते हैं, तो उसका बड़ा रेंज है। अभी तो देर है, वो उसका डिटेल्स हम बताएंगे फिर। ओके, सर, जैसे कि फनी को हम लोग ने देखा तो क्या उससे ज़्यादा प्रभावशाली होगा या कम होगा? नहीं, इसका जो यह है वेरी फनी था एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जब क्रॉस किया था। ठीक है, और इसका वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है।